बहुत सारे सिनेमा प्रेमी लोग देहरादून से यहाँ पहुँचे हैं, तो कुछ सिरे खोले हैं हमने चीज़ों पर, बहुत व्यवस्थित बातचीत इस समय में, इस सीमित समय में करना शायद संभव नहीं है, लेकिन उन चीज़ों पे थोड़ा और बात की जा सकती है। तो कोई भी साथी जो बात रखना चाहते हैं, जी आपका हाथ बहुत देर से खड़ा हो रहा है। एक बात कह गई, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आज़ादी आज़ादी मुझे आज़ादी है पीटी करने की, लेकिन जहाँ इनका चेहरा बीच में आता है मेरे हाथ के, वहाँ मेरी आज़ादी समाप्त हो जाती है। पिक्चर वालों को ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। दूसरी, इन्होंने बात कही अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कुछ भी हमें परोसते रहें। मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है पिक्चर बनाने की, लेकिन अगर मैं माफ़ी चाहता हूँ उन सज्जन से, अगर मैं एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ भैंस वाली की माँ, मैं भैंस वाली की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसका नाम ले कर रहा हूँ कि मैं भैंस, तो क्या वो मुझे परमिशन देंगे कि इस पिक्चर में मैं कुछ भी परोस दूँ? वो बिल्कुल भी नहीं देंगे, और वो मुझ पर शायद मुकदमे भी कर देंगे कि मैंने ऐसी पिक्चर क्यों बनाई। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि कुछ अनपढ़ लोग, मैंने एम ए सी ए आई आई पी किया हुआ है, अनपढ़ नहीं, इकोनॉमिक्स में मैंने एम ए किया हुआ है। मजे की बात यह है कि मैं 8 डिपार्टमेंट्स में कंपटीशन से सिलेक्शन हुआ, मेरा ऐसे सिलेक्शन में नहीं गया, इससे बता दे सकते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं। लेकिन सर आपके 2 मिनट पूरे हो गए। मैंने इनकी बात, इनका सवाल पूछ रहा हूँ मैं। हाँ पूछो ना। एक ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, आज़ादी इनकी वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ मेरी आज़ादी शुरू होती है और वो उसको इंटरप्ट किया जाता है, वहाँ इनकी आज़ादी खत्म हो जाती है। तीसरा ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट, ऐसा कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, हर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के 5 साधन हैं जिसमें पूंजी लगती है, सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। अगर पूंजी लगती है तो ये पूंजीपति जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये हिंदुस्तान को नहीं बेचते, ये हिंदुस्तान की अस्मिता को नहीं बेचते, ये हिंदुस्तान के कल्चर को नहीं बेचते, ये हिंदुस्तान के धर्म को नहीं बेचते, जबकि पिक्चरों में ऐसा होता है। क्या इन 5-6 सवाल का जवाब देंगे? थैंक यू। 2 मिनट के लिए। एक बहुत सामान्य सी बात है कि पिछले दिनों एक फिल्म आई थी हिंदू सरकार, और जाहिर सी बात है कि उसके डायरेक्टर जो थे मधुर भंडारकर, वो थोड़े मतलब दक्षिणपंथी रुझान क्या कहा जाए, सीधे दक्षिणपंथी हैं। तो मैंने ट्वीट किया कि यार एक तो बहुत अच्छी बात है कि इमरजेंसी पे फिल्म बन रही है हमारे यहाँ हिस्ट्री पे, और राजनीतिक घटनाक्रमों पर फिल्म बनती नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन ये फिल्म कैसी होगी जिसके निर्देशक मधुर भंडारकर हैं। मेरा ये ट्वीट गया और सर 2 मिनट के बाद मेरे पास मधुर का फोन आता है कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, अभी तक पत्रकारी समझते हो, तुम फिल्म फ्रेटर्निटी में हो, तुम जो फिल्में बनाते हो हम तुमको रोकने जाते हैं क्या, या हम कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं? तो हमें भी तो आजादी है अपनी तरीके से इमरजेंसी को देखने की। तो मुझे ये बात सचमुच समझ में आई कि यार कोई हुआ मतलब अगर वो अपने तरीके से इतिहास को देख रहे हैं या उसको व्याख्यायित पुनर्व्याख्यायित कर रहे हैं तो उनको भी आजादी है। यह अलग बात है कि हमको भी उसकी आलोचना करने की आजादी है ना, लेकिन चीजें चूंकि मैंने देखी नहीं थी तो मैंने ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया है ना बहरहाल, और मैंने कहा कि बेस्ट विशेष फॉर मधुर भंडारकर है ना, फॉर हिंदू सरकार। तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताइए कि कोई भी व्यक्ति का मामला जो है उसने समाज को खराब कर दिया हो किसी भी किस्म का, मतलब वेबसाइट्स पे इंटरनेट पे पोर्न भरा हुआ है, क्या हमारा समाज खराब हो गया उससे? बहुत बैन करने की आपने कोशिश की, नहीं हुआ। वो चीजें हैं, लोगों पर भरोसा कीजिए, लोगों के विवेक पर भरोसा कीजिए कि वो क्या चुनते हैं क्या नहीं चुनते हैं। मतलब ऐसी किसी भी चीज को जो है हमारे लोग जो है वो वोट नहीं दे रहे हैं जो कि खराब है, मतलब राजनीतिक संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, वो तो कर ही रहे हैं है ना। तो मतलब चीजों को देखने समझने पढ़ने लिखने के मामले में तो मुझे लगता है कि ये बहस बहुत पुरानी है कि व्यक्ति की आजादी वहीं तक है जहां से हमारी आजादी, ये बचपन से नहीं सुनते रहे यार। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो दुकानें हैं, मैं दुकानें शब्द जानबूझकर के इस्तेमाल कर रहा हूं, इनका फिल्म के विकास में क्या योगदान?
इसका तो जवाब दे। ज्ञान सर, ऐसा है कि उनका सिनेमा के विकास में उतना ही योगदान है जितना तमाम जो दुकानें मीडिया संस्थानों की हैं उनका योगदान मीडिया में पत्रकारिता में है ना? क्योंकि जब हम कहते हैं कि सिनेमा एक आर्ट है, सिनेमा एक कला है, तो उसके साथ एक पूरी समझदारी की विरासत भी जुड़ी होती है जो विरासत आपको इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती, वहाँ से तकनीक मिलती है। तो आप कैमरा चलाना सीख जाएंगे, एडिटिंग करना सीख जाएंगे, अभिनय करना सीख जाएंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों के समायोजन से जो बनने वाला सिनेमा है और जिस दृष्टि से वो बनता है, वो दृष्टि तो अपने इनर संघर्ष से ही जो है वो विकसित कर पाते हैं लोग। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत योगदान इस रूप में है उन तमाम मीडिया इंस्टीट्यूट और सिनेमा इंस्टीट्यूट का कि वो सिनेमा को जो है वो समाज के बीच उसकी चर्चा को जो है वो जारी रखता है ना? किसी न किसी बहाने लोगों को सिनेमा से जोड़े रखने में जो है वो एक आकर्षक कारक की तरह जो है वो काम करता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई मतलब नहीं है भाई। IIT से पढ़ के लोग इंजीनियरिंग करना छोड़ करके सिनेमा कर रहे हैं, मेडिकल पूरा पढ़ा मेडिकल छोड़ दिया करके सिनेमा, तो ये एक ऐसी चीज है जो एक जुनून से जुड़ा हुआ मामला है, किसी उस तरह की तकनीकी शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। इसमें मुझे थोड़ा सा फर्क ये लगता है कि एक तो जो सिनेमा सिखाने वाले इंस्टीट्यूट खुले हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वो जो आप बोल रहे हैं प्योरली वो दुकानें हैं, लेकिन अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो FTII का जो रोल रहा है फिल्म मेकिंग में, फिल्म का जो स्कूल है हमारा, जो जनता के पैसे से जो स्कूल चलता था और उसकी वजह से हमारे देश को कई बेहतरीन फिल्म मेकर्स मिले हर फील्ड में, वहां से तकनीक नहीं सीखी उन्होंने, जो पब्लिक मनी से चलने वाले किसी भी इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां उन्होंने सिनेमा की हिस्ट्री समझी, सिनेमा की सोशियोलॉजी समझी, सिनेमा के अलग अलग दुनिया भर में जो मूवमेंट्स चल रहे हैं उन मूवमेंट्स को स्टडी किया, उसके बाद अगर देखेंगे कि उनकी जो संवेदनशीलता है सिनेमा को लेकर वो अलग आपको कई तरह से दिखेगी, जिन्होंने जो पैरेलल सिनेमा बोले या जो सार्थक सिनेमा बोले उसमें भी उन्होंने अपना रोल प्ले किया। थोड़ा सा फर्क हमें प्राइवेट एंड जो पब्लिक मनी से चलने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनके उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसको बात बिल्कुल बिल्कुल। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये भी है कि उस दौर में जबकि देश आजाद हुआ था और जो हमारी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने जो सपने जो भी देखे थे, देखी थी जनता ने जो देखा था वो टूट रहे थे, उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ बात करने वाले सिनेमा को उसी सरकारी पैसे से जो सर बता रहे थे अभी प्रमोट किया उस दौर में, और अभी जो अभिव्यक्ति की आजादी पर अभी सर कोई बात कर रहे थे वो है नहीं, वहां दिख नहीं रहे, उस तरीके का कोई खतरा नहीं था जैसा कि आज पैदा कर दिया गया। और प्रियदर्शन सर जो बोल के गए, मैं उसी बात को मैं इतनी देर से मैं बोलना चाह रही थी कि हम जब माँ बहन बेटी पत्नी के संदर्भ में हमारी वो जो सामंतवादी नाक है ना वो और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पद्मावती का एक आप इतिहास मान रहे हैं या आप उसे एक साहित्यिक कैरेक्टर मान रहे हैं या जो भी मान रहे हैं, उसका अपना भी एक उसकी अपनी एक आजादी है। मुझे लगता है कि आप मतलब जो चीजें देते हो ना, समाज जो उसको उस तरीके से देखता है या सुनता है या म्यूजिक सुनता है या शास्त्रीय संगीत मतलब सुनता है, तो मनोरंजन एक तत्व है लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें भी जो है वो अपने साथ लाता है। जब बाढ़ आती है ना तो नदी पानी लेके आता है, उसमें गाद और बहुत सारी मिट्टियां भी लेके आती है ना, तो वो एक मामला है सिनेमा के साथ। ये था कि आखिर ये जिद क्यों है कि हम जो सिनेमा मेकिंग है जो कौन जिद कर रहा है, नहीं ये जिस तरीके की जिद कौन कर रहा है, जिस तरीके चर्चा यहाँ भी हुई और एक समाज और सिनेमा एक विषय पे इतना लंबा पैनल बैठा, तो ये है कि हम समाज से किस तरह से जोड़ रहे हैं सिनेमा को। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। अरे आप सबका जवाब दे सकती हूँ। मैं बस दो शब्दों में देना चाहती हूँ। एक फिल्म है मृत्युदंड, और मृत्युदंड जो है वो घोर प्यासा एक फिल्म है और उसी तरह से चली हुई, लेकिन हमने जब मैंने उत्तराखंड के 65,000 औरतों के साथ में काम किया, मैंने उस फिल्म को जेंडर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करा, उसमें एक शब्द है पति है देवता बनने की कोशिश मत करो, और हमने पूरी जेंडर ट्रेनिंग में उसको इस्तेमाल करा, हमने बहुत सारी फिल्मों को जेंडर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करा, और जेंडर की बात हमने वाटर को इस्तेमाल करा, और बहुत सारी फिल्में हैं जिनको हमने इस्तेमाल करा, रिहाई को इस्तेमाल करा, परिवर्तन को इस्तेमाल करा, है ना, और बहुत सारी फिल्में हैं। एक ऐसे तो अगर समाज की बात मैं करूं तो एक फिल्म है मातृभूमि,
हाँ मात्रा में लगाई यहाँ क्या? जिस विषय पे मैं काम करता हूँ, ब्राइट ट्रैफिकिंग पे, मतलब वधु तस्करी पे, जिस विषय पे मैं काम करता हूँ उस पे आधारित फिल्म है वो, और क्या गजब की फिल्म। हाँ, हमने बिल्कुल बिल्कुल मातृभूमि को इस्तेमाल करा। ये बात है कि आप आपका नजरिया क्या है फिल्म देखने का, आप किस आप मैं अगर हम मैंने गाइड देखी बचपन में तो मुझे लगा गाइड बहुत अच्छी फिल्म है। अरे हम तो अभी देख कर ये कहते हैं गाइड जैसी फिल्म है। ज्ञानेन्द्र जी, इतना ही एक ही बात कहनी है आपसे कि ये संवाद का मंच है, हम अपना एक व्यू लेके आते हैं, एक व्यू दूसरा भी रखता है और कई तरह के व्यू जाते हैं, तो दूसरे हमें सुन लेने चाहिए, फिर तो चिंतन चलता रहता है, शायद और बेहतर हो जाए। तो एक मेरा सवाल है, हिंदी सिनेमा या पैरेलल सिनेमा या जो व्यावसायिक सिनेमा है, इन दोनों सिनेमा में हमारा जो निम्न मध्यम वर्गीय एक युवा एक नायक हुआ करता था, एक राजनीतिक जो परिदृश्य के साथ भी जो एक हमारे इलाके की कहानियां होती थी या एक बेरोजगार नौजवान होता था, वो युवा आज के दौर में जो निम्न मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग का युवा नायक क्यों नहीं है और कहाँ गायब हो गया है? क्या इसके पीछे ये कारण है कि जो लेखक जो फाके झेलते थे मुंबई में वो लिखते थे इसलिए नायक उन्होंने मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के व्यक्ति को चुना, और अब जो लोग फिल्म बना रहे हैं वो उस वर्ग से रिलेट नहीं करते हैं इसलिए वो नायक नहीं आ रहे हैं? तो इन दोनों पैरेलल और व्यावसायिक दोनों में वो नायक कहाँ गायब हो गया है और वो यूरोप और अमेरिका यहाँ कहाँ क्यों दिखाई देता है? इस पे मेरा सवाल, कोई भी आप लोग जो देना चाहिए। करण जौहर है, आप जानते हैं उनको? करण जौहर जो है वो एक फिल्म मनोरंजन भिखारी का करेक्टर लिखा गया था, तो जब ड्रेस डिजाइनर आई तो भिखारी के लिए एक ही कपड़ा जो है उसने रखा था हर सीन में, तो करण जौहर ने कहा कि हर सीन में एक ही कपड़ा कैसे मिल सकता भिखारी है। तो होता क्या ना, करण जौहर जैसे लोग जब आएंगे फिल्म बनाने के लिए तो वो उत्तराखंड या फिर बिहार या यूपी के जो निम्न मध्यम वर्गीय युवा है उसकी कहानी नहीं कहेंगे। आप देखिए ना, जॉनी एवल भी उसका नायक आपको कहां का लगता है ना? आप अनुराग कश्यप की फिल्म में देखिए ना, तिग्मांशु धूलिया की फिल्म में देखिए ना, दिबाकर बनर्जी की फिल्म में देखिए ना, तो होता क्या है कि अगर राइटर या डायरेक्टर जहां से आएगा वहां से खुद को एसोसिएट करने वाली चीजें जो है वो प्रमोट करेगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, चीजें आ रही है।